हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स, बीएड स्टूडेंट के लिए कहीं से जो है बुरी खबर आ रही है, तो कहीं से जो है बीएड स्टूडेंट को 1 to 5 में शामिल करवाने के लिए जो है आंदोलन किया जा रहा है। यही दोनों इन्फॉर्मेशन जो है आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। कहां से ये बुरी खबर आई है और कहां पे आज आंदोलन हो रहा है, ये सारी चीजें आपको डिटेल से जो है पता चलेगी इस वीडियो में। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, जो बुरी खबर आ रही है उसका इम्पैक्ट बाकी जगहों पर जो है क्या होने वाला है, और ये जो आंदोलन होगा उसका जो है असर क्या होगा, ये सारी चीजें हम डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपको टीचिंग से रिलेटेड हर तरह के इंफॉर्मेशन, क्लासेस एंड नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हो, सबसे पहले हम जो है बुरी खबर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में ये मैं बोलूंगी कि हर राज्य का, हर स्टेट का जो है अपना एक तरीका हो रहा है। 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया 1 to 5 से बीएड को बाहर रखने के लिए, तो जहां पर जिस राज्य में पहले से शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी, वो अभी भी बीएड को 1 to 5 में रखना चाहते हैं और उसके लिए वो अपना अपना स्टेप उठा रहे हैं। जैसे बिहार का ही बात करते हैं तो वो एसएलपी को लेकर के एसएलपी जो है दायर कर दी है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो वहां भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। एमपी की बात करेंगे तो वहां भी नियुक्ति पत्र दे दिया गया है बीएड कैंडिडेट को। लेकिन ये जो खबर है ये है चंडीगढ़ से। ये खबर आप देख सकते हो यहाँ पर, ये चंडीगढ़ से जो है खबर आ रही है। यहाँ पे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया एक्चुअली में अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है? तो ये मामला जो है, जाहिर सी बात है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसका सम्मान रखना है, और यहाँ पे प्रक्रिया अब स्टार्ट हो रही है, तो जो फैसला है उसके अकॉर्डिंग इनको काम करना होगा। नियम के अनुसार अभी तो यही है। तो इन्होंने जो है क्लियर कर दिया है कि जेबीटी भर्ती में अब बीएड डिग्री वाले नहीं कर सकेंगे आवेदन। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जेबीटी जो है ये आपका डीएलएड है। हर जगह पे जो है डीएलएड का नाम अलग अलग है, कहीं डीएड बोलते हैं, कहीं डीएलएड बोलते हैं। चंडीगढ़ में इसको जेबीटी बोला जाता है, जूनियर बेसिक टीचर इसको जो है बोलते हैं, और ये 1 to 5 के लिए होता है। तो 1 to 5 में बीएड वाले कैंडिडेट अब अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ये नोटिफिकेशन जो है दे दिया गया है। यहाँ पे भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। 10 अक्टूबर तक जो है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने का जो है डेट दे दिया गया है 10 अक्टूबर तक, ये होगा। इसमें और क्या क्या चीजें हैं वो भी बात कर लेते हैं। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि जैसे बिहार में ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल चल रही थी, उसी समय जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। छत्तीसगढ़ वाला भी मामला जो है काउंसलिंग तक पहुंचा था, तब सुप्रीम कोर्ट का जो है फैसला आया। लेकिन नियम जो जो डीएलएड वाले कैंडिडेट बोलते हैं, बोल रहे हैं कि जब एक बार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो उसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया चलनी चाहिए। बट अब बात क्या हो गई है कि जो डीएलएड कैंडिडेट लड़ रहे हैं वो आरटी एक्ट को लेकर के लड़ रहे हैं कि राइट टू एजुकेशन वाली बात की, क्वालिटी एजुकेशन देने की। बट अब बीएड वाले कैंडिडेट जहां पे ऑलमोस्ट प्रक्रिया, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट होने को थी, तो वो लोग भी राइट टू लाइफ को लेकर आ गए हैं। उनका भी जो नियम है वो राइट टू लाइफ है। तो इस दोनों में क्लैशिंग जो है जोरदार चल रहा है। यहाँ का मामला अलग इसलिए है क्योंकि अब यहाँ प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। जूनियर बेसिक टीचर्स भर्ती के लिए डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड और सीटेट का पेपर एक को शैक्षणिक योग्यता वाले आवेदक ही मान्य होंगे। यूटी चंडीगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग 8 वर्ष बाद 293 नियमित जेबीटी पदों पर प्रक्रिया 10 अगस्त से कर रहा है। एक्चुअली में ये 10 अगस्त से प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी और लास्ट डेट जो है आपका अक्टूबर है, 10 अक्टूबर है। 293 जेबीटी पोस्ट पर जो है ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है। 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया तो इन्होंने ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना 25 सितंबर को, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी, इन्होंने जो है भर्ती प्रक्रिया के नियमों में स्कूल शिक्षा विभाग ने 25 सितंबर को जो है संशोधन करके नोटिफाई कर दिया। मतलब एक्चुअली में बोला जाए तो पूरे नियम से चला, ऐसा नहीं कि हाँ पूरा एप्लीकेशन ले लें और उसके बाद बोले कि बीएड वाले बाहर हो गए। अब 25 सितंबर तो जाहिर सी बात है कि बीएड कैंडिडेट अप्लाई कर चुके होंगे बहुत सारे, तो उसमें भी जो है यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर बोल दिया गया है कि उनको जो है रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे देखो, आवेदकों ने भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है उनकी आवेदन फीस विभाग रिफंड करेगा। तो क्लियर एक नियम बनाना,
और उस नियम को इम्प्लीमेंट करना रूल्स के साथ, वो चीजें जो है यहाँ हुई है। ठीक है, ये है थोड़ा बोल सकते हो कि बुरी खबर कि बीएड वाले जो कैंडिडेट थे चंडीगढ़ के, इस वैकेंसी का वेट कर रहे थे, उन लोगों को इससे जो है बाहर किया गया है। लेकिन हर स्टेट का अपना कॉल है, और साथ ही साथ जो है प्रक्रिया स्टार्ट पहले से नहीं हुई। 10 अगस्त और 11 अगस्त में एक दिन का डिफरेंस है, तो उसको, और ये जो है एप्लीकेशन अभी अप्लाई के लिए चल ही रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन लोगों ने कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना करके एक अपना नियम ले लिया। यहाँ पर मैं आपको और भी चीजें जो है बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियमों में हुआ है संशोधन। एनसीटी ने वर्ष 2018 में शिक्षक भर्ती नियमों को संशोधित कर डीएलएड के साथ बीएड और सीटेट के दोनों पेपर मान्य कर दिए थे। तो ये संशोधन भी इन्होंने अपने 25 सितंबर तक अपने नियमों में कर दिया है। तो ये खबर जो है आपको चंडीगढ़ से बीएड वालों को मिल रही है। चलिए अब दूसरी इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। अब बीएड वालों के लिए आंदोलन बहुत जरूरी है ही। हमने आपको पहले बताया हुआ है कि आंदोलन भी जरूरी है और साथ ही साथ जो लीगल रास्ते अपनाए जा रहे हैं वो भी जरूरी है। और ये आंदोलन इसलिए ज्यादा खास हो जाता है, ये धरना इसलिए ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि ये दिल्ली में हो रहा है, और दिल्ली में कहाँ पर, जंतर मंतर पे, जहाँ पे जंतर मंतर स्थान पे जो है मैक्सिमम ऐसी ऐसे धरना प्रदर्शन हुए हैं जहाँ पे लोग या तो एग्री नहीं हुए हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो कि न्याय की तरफ नहीं देखा जाता है। सेम चीज बीएड कैंडिडेट के साथ भी हुआ है, बीएड वाले अभ्यर्थियों के साथ भी देखा जाए तो न्याय बिल्कुल भी नहीं हुआ है। 2018 एनसीटी गैजेट एनसीटी ने बनाया है, उनकी गलती, उन्होंने बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज किया। बीच में पिसने वाले बीएड कैंडिडेट आए, तो जाहिर सी बात है कि उनके बारे में भी सोचने की जरूरत है। तो इसके लिए 5 अक्टूबर यानी आज से जो है जंतर मंतर में ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें आप लोग को जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर इकट्ठा होना है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग वहां पर जाएंगे, जितने ज्यादा लोग वहां मौजूद होंगे, उतनी ही सीरियसली आपकी बातों को सुना जाएगा। और दिल्ली के लिए पहले भी बता चुकी हूँ, ऐसा ऐसी जगह है जहां से अगर आप एक साथ मिलकर के एक बात बोलते हो तो डायरेक्टली जो है जितने लीडर्स हैं उनके कान में जा रही है। दूसरी बात कि ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो गया है कि क्यों, ये जस्ट इलेक्शन के पहले हो रहा है। नेक्स्ट ईयर आप सब जानते हो कि इलेक्शन है, चुनाव है, और चुनाव के पहले जो है आपको अपनी बातों को रखना है ताकि वहां तक पहुंचे और वो लोग इसके बारे में स्ट्रिक्ट कदम ले, क्योंकि चुनाव में वो किसी भी तरीके का जो है रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। अब आप लोग अगर दिल्ली पहुंच रहे हो और आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे नंबर दिया गया है, देवेश शर्मा जी का नंबर है, राहुल मेहरा है, शैलेंद्र सोलंकी है, मनदीप मिश्रा है, आप उनको कॉल कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और ट्राई कीजिए कि जो दिल्ली के आसपास लोग हैं वो 1 बजे तक जल्दी से जल्दी पहुंचे और वहां पर अपनी बातों को रखें। तो ये चीजें चल रही हैं अभी वहां पे जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, इसमें और क्या क्या चीजें होंगी, दिन भर किस तरह से रहेगा, इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट तभी पता चलेगा जब ये धरना पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कितने लोग पहुंचे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इससे रिलेटेड अपडेट जो है जैसे ही ये धरना कंप्लीट होगा वैसे हम आपके लिए लेकर के आएंगे इसी चैनल पर। टेक केयर एवरीवन।